किसान भाइयों को नमस्कार। कलश कंपनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर हमारे साथ एक किसान भाई है जो खीरे के खेत पर हैं, जो गोकुल जी सनी जो जयपुर से पधारे हुए हैं। और आए मालीखेड़ा बेगू तहसील जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर एक खीरे का एक प्लॉट है यहाँ पर। गोकुल जी भैया नमस्कार। नमस्कार जी, आपको कैसा लगा ये प्लॉट? सर बहुत अच्छा लगा प्लॉट मेरे को। जी हाँ, सेम ग्रीन हाउस जैसे बिल्कुल फल आ रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं बिल्कुल। जी हाँ, कलर वलर बढ़िया है, यील्ड भी बहुत अच्छी आ रही है। और किसान से बात हुई तो बहुत अच्छा, उन्होंने प्रोडक्शन लिया है, मार्केट भी अच्छा है बहुत। जी हाँ गोकुल जी भाई, अभी यहाँ पर जो ये खीरा देख रहे हैं, ये खीरा, इनका कहने का मतलब है आप इसको पॉली हाउस में लगा रहे हो तो उस टाइप से आपको यहाँ पर उत्पादन मिल रहा है। ये जो कलश कंपनी की ये 16-14 वैरायटी है, बहुत शानदार वैरायटी है। ये आपको पॉली हाउस जैसा आपको ओपन में भी इतना ही उत्पादन देता है। और यहाँ पर ये जो नेट में लगा रखा फार्मर ने, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर इसका उत्पादन आया है। तो और गोकुल जी, आप कुछ किसान भाइयों के लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं तो ये इसी बीज का रिक्वायरमेंट करने के चाहूँगा भाई, आप ओपन सीड में भी इसको लगा सकते हैं। ओपन हाँ। किसान भाइयों, इस वैरायटी को आप ओपन में, ग्रीन नेट में और पॉली हाउस के अंदर तीनों तरीके से आप इसको लगा सकते हो। और ये किसान की जो लागत आती है, 2 रुपये बीज के हिसाब से लगभग इसका कॉस्ट आती है। और ये आफ्टर जर्मिनेशन के 35 से 40 दिन के अंदर फैला फल तैयार हो जाता है। बहुत ही शानदार वैरायटी, हर तीसरे दिन आप इसको तोड़ सकते हैं। और ये झुमके में आती है वैरायटी, आप देखिए कितनी शानदार तरीके से ये वैरायटी आ रही है। फल एकदम हरे रंग का चमकदार फल है, जिसका कि वजन 200 से 250 ग्राम का वजन है। और एक पौधे में उत्पादन की अपन बात करें तो लगभग 2.5 से 3 किलो का इसमें उत्पादन आता है। बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान भाइयों, आप भी इसको लगा सकते हो। गोकुल भाई, और कुछ किसानों के लिए कहना चाहेंगे? मैं तो ये इसी बीज के लिए रिक्वायरमेंट करूँ, जयपुर के साइड भी ये भी चल सकता है खीरा अपने पोले हाउस से, सेम है बिल्कुल, थोड़ा 19-20 हो सकता है लेकिन सेम है पोले हाउस से। बहुत बहुत धन्यवाद।